हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास टेंथ के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसमें हम पिछले वीडियो में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग को पढ़े थे, और आज के वीडियो में हम आपको दर्पण में चिन्ह परिपाटी के बारे में बताएंगे, यानी दर्पण में जो होता है वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, इसका साइन क्या होता है, ये इसका चिन्ह प्लस होता है या माइनस होता है, उसका चर्चा हम करने वाले हैं। और ये आपके लिए इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि मतलब जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे, अंकिक प्रश्न उत्तर, तो वहाँ पे होगा क्या कि कहाँ प्लस देना है, कहाँ माइनस देना है, ये चीज़ ध्यान देना पड़ता है। और अगर आपको चिन्ह परिपाटी समझ में आता है, यानी आज का क्लास आप बढ़िया से समझते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर यही आपको समझ में नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे बनेगा ही नहीं। तो आप इसको समझिए बढ़िया से। सबसे पहली चीज़ कि हम यहाँ इसे दोनों दर्पण के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले अवतल दर्पण की, तो देखिए ये मान लीजिए ये क्या है आपका, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका ध्रुव होता है और इस प्रकार खींचती है, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। फिर इसके बाद हम अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की भी चर्चा कर लेंगे, तो अंदर से पेंट करेंगे तो क्या बनेगा, उत्तल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव, और इधर इसमें होता है फोकस और वक्रता केंद्र। ये आप पहले ही से सीख चुके हैं। अब पहली चीज़ कि दर्पण में चिन्ह परिपाटी की अगर बात किया जाए, तो दर्पण के लिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल किया जाता है। दर्पण के लिए क्या होता है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का यूज होता है। अब देखिए निर्देशांक में क्या होगा कि जैसे ये जो ओरिजेंटल लाइन है, इसको हम मानते हैं एक्स अक्ष। यहाँ एक्स का मतलब प्लस वाला आइटम को इधर लिखते हैं और एक्स डैश में माइनस वाले को। और अगर यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन में हम ड्रॉ कर एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर ले, तो ये हो गया वाई एक्सिस और ये वाई डैश, तो वाई डैश में माइनस वाला आएगा और इधर प्लस वाला आएगा। वहीं अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ये एक्स एक्सिस है, तो इधर x है, इधर x डैश है, यानी इधर माइनस वाला होगा, इधर प्लस वाला होगा। और फिर ये वर्टिकल लाइन अगर खींच ले तो y हो गया और ये y डैश में माइनस और ये प्लस वाला। ये आपको पहले से पता, और इसी के बेस पे हमें चीज़ों को समझना है। तो सबसे पहली चीज़ कि मान लीजिए यहाँ पे हम वस्तु को रखे हैं। आप सोचिए कि वस्तु को हम यहाँ रखे हैं, ए बी, ये हमारा वस्तु है, ठीक है। और जब वस्तु को हम यहाँ पे रखे हैं और इसका इमेज, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया है, आपको मानना है इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना है ए डैश बी डैश, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो इमेज यहाँ पे आप बना है प्रतिबिंब, इसमें देखिए कौन कौन चीज़ आ रहा है। यहाँ से पी से एफ तक अगर मापेंगे तो ध्रुव से लेकर एफ तक मापेंगे तो फोकस दूरी, ध्रुव से लेकर सी तक यानी वक्रता केंद्र तक मापेंगे तो वक्रता त्रिज्या, यहाँ से ध्रुव से लेकर यहाँ तक मापेंगे तो ये वस्तु दूरी, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक को मापेंगे तो ये होगा प्रतिबिंब दूरी। तो यहाँ पे जितना भी डिस्टेंस है, जो भी फोकस दूरी, वस्तु दूरी, वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब दूरी, सबको हम ध्रुव से ही माप रहे हैं। यहाँ भी देखेंगे तो मान लीजिए कि हम वस्तु को इधर पेंट किया गया है, तो वस्तु को इधर ही रखेंगे ना, तो ये ए बी वस्तु हो गया, और मान लीजिए कि इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया ए डैश बी डैश। तो आप सोचिए यहाँ पे क्या होगा कि वस्तु को चूंकि हम ध्रुव से यहाँ से लेकर यहाँ तक मापेंगे तो वस्तु दूरी, यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब दूरी, ये फोकस दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक वक्रता त्रिज्या। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि दर्पण चाहे कोई भी हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, यहाँ पे सभी दूरियाँ, सारे डिस्टेंसेज हम ध्रुव से ही माप रहे हैं, सभी दूरियाँ पोल से ही मापी जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, दैट दर्पण में सभी दूरियाँ ध्रुव से मापी जाती है। आगे बढ़िए, इसके बाद आप देखेंगे दैट यहाँ पे अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में अगर देखा जाए कि वस्तु को किधर रखा गया है, तो ये आपका वस्तु है ना, तो बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक वस्तु दूरी होगा और ये माइनस वाले दिशा में है, माइनस माइनस वाले दिशा में है, ये वस्तु है, इधर वस्तु दूरी होगा तो माइनस वाले दिशा में है। तो आप कह सकते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में जो है वस्तु दूरी किधर होता है, माइनस की तरफ, यानी दोनों ऋणात्मक होता है। तो आप ऐसे लिखिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है। क्लियर हुआ ये चीज। अब इसके बाद हम बात करते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की।
तो देखिए ये हो गया अवतल दर्पण, तो इसमें फोकस दूरी इधर है माइनस के, ये माइनस है ना जी, माइनस के तरफ है, तो हम कहेंगे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण में ये आप समझ ही रहे हैं, इसके लिखने की जरूरत तो है नहीं, अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या माइनस होता है, जबकि यही उत्तल दर्पण में इधर फोकस है, इधर वक्रता त्रिज्या है, तो इधर प्लस होता है ना, तो प्लस में होता है, तो आप कैसे लिखेंगे, अवतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है। क्लियर हुआ इतना? और आगे चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके सामने प्रतिबिंब दूरी का। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये रहा वास्तविक प्रतिबिंब, हम आपको बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो ये देखिए वास्तविक प्रतिबिंब है, नीचे की ओर बना है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा बनने का मतलब मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा का मतलब ऊपर की ओर बनेगा, मतलब मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, वस्तु भी ऊपर है प्रतिबिंब भी ऊपर बनेगा, तो सीधा है आभासी है, और वस्तु ऊपर की ओर है प्रतिबिंब नीचे की ओर बना, यानी उल्टा है यानी वास्तविक है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि देखिएगा ये प्रतिबिंब वस्तु का ऊंचाई, वस्तु का ऊंचाई आप समझिए, वस्तु का ऊंचाई जो है वस्तु को हमेशा ऊपर की ओर रखते हैं, कोई भी दर्पण वस्तु को मुख्य अक्ष से ऊपर रखते हैं, तो वस्तु की ऊंचाई जो है ऐसे मापेंगे ना, ऐसे मेजर करेंगे ये वाला वस्तु की ऊंचाई, तो बोलिए ये ऊपर की ओर वाई अक्ष क्या होता है प्लस में, ऊपर की ओर वाई अक्ष क्या होता है प्लस में, यानी हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई क्या होता है धनात्मक होता है प्लस में। लेकिन अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें तो बाबू आपको हम बता दें कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब नीचे की ओर बनता है, तो नीचे की ओर माइनस होने लगता है ना, लेकिन आभासी प्रतिबिंब ऊपर की ओर ही बनता है, तो ऊपर की ओर तो प्लस ही है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है ऋणात्मक होता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है धनात्मक होता है, तो आप यहां से लिख लीजिएगा। अब और आगे चलिए, हम बात करें वास्तविक प्रतिबिंब ऋणात्मक में होगा, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी इस साइड बनता है इधर, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब कभी भी इस साइड बनता है, तो हम कह सकते हैं कि अगर प्रतिबिंब, मान लीजिए अगर प्रतिबिंब माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इस साइड बना है यानी वास्तविक है, और अगर प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आ रहा है यानी वो इस साइड बन रहा है, यानी क्या है वो आभासी है, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का ऋणात्मक मान वास्तविक प्रतिबिंब को सूचित करता है और धनात्मक मान आभासी प्रतिबिंब को सूचित करता है। वास्तविक होगा तो इधर होगा ऋणात्मक, आभासी होगा तो इधर होगा यानी धनात्मक, हम कह दिए कि वास्तविक प्रतिबिंब, सॉरी प्रतिबिंब का ऋणात्मक मान वास्तविक प्रतिबिंब को और धनात्मक मान आभासी प्रतिबिंब को इंगित करता है। तो देखिए आज के वीडियो में हम आपको बताएं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, इसका साइन क्या होता है, कौन प्लस में कौन माइनस में, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, और अगर ये ध्यान में रखेंगे तो फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में आपको काफ़ी मजा आएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आवर्धन के बारे में, दैट व्हाट इज मैग्निफिकेशन।